हेलो, मेरा नाम आकाश। तो आज हम आपको पुशअप के बारे में बताएंगे कि पुशअप एक ऐसी बॉडी वेट का मूवमेंट है जहाँ पे आपको सिर्फ आपका बॉडी की ही जरूरत पड़ती है, इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा वेट इसमें ले नहीं सकते। उसके बाद पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती बढ़ती है। उसके बाद आपका जो पीछे का कोर होता है ये बहुत मजबूत होता है। जितना भी बड़ा से बड़ा बॉडी बिल्डर है या कोई सा भी बड़ा एथलीट है वो पुशअप तो करते ही करता है। अच्छा, आज हम आपको वो पुशअप्स बताएंगे जो बिगिनर लेवल के लोग करते हैं। बिगिनर लेवल से मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि जो मतलब हार्ड लेवल की पुशअप नहीं कर सकते, डिफिकल्ट लेवल पर नहीं कर सकते। तो आइए हम आपको बताएंगे, लेट्स कम टू द वीडियो। सबसे पहली वॉल पुशअप है। वॉल पुशअप में सबसे पहले आपको इस पोजीशन में आना है, उसके बाद आपको धीरे 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 इस पोजीशन में आना है। स्टार्टिंग में इसको आप एकदम से स्पीड में ना करें, बिल्कुल आराम आराम से करें। और जब भी आप इसको करें तो आपका ये कोर बिल्कुल भी रिलैक्स रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। करिए जी, स्टार्टिंग में इसको आप अपने इंटेंसिटी अनुसार 15 से 20 रेप्स कर सकते हैं। बाद में अपने इंटेंसिटी अनुसार इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग की यहाँ पर आ रही है बेंच पुशअप। बेंच पुशअप को सबसे पहले करने से आपको इस पोजीशन में आना पड़ता है। इसके बाद आपको जो कोर है बिल्कुल भी रिलैक्स होना चाहिए और आप कोशिश करिए कि आपके जो पैर है वो बिल्कुल पास में रहे। करिए इसको एक बार आप। आप कोशिश करिए कि आपको जो चेस्ट है पूरा बेंच पे टच रहे, तभी आपको ये काम करेगा। करिए इसके स्ट्राइड्स के कम से कम आप 10 से 15 रेप्स मार सकते हैं बिगिनर लेवल के लिए। इसके बाद अपनी इंटेंसिटी अनुसार इसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और आपको ये पैर जो बिल्कुल पास में रखने, पैर पास में रखने, पैर पास में रखने। की आ रही है नी पुशअप। नी पुशअप में सबसे पहले स्टार्टिंग में आप ऐसे पोजीशन में आएंगे, इसके बाद आप ऐसे अपने इंटेंसिटी अनुसार इसको धीरे 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 करेंगे। करिए आप। सबसे पहले इस पोजीशन में आएंगे, इसके बाद अपनी इंटेंसिटी अनुसार आप हाथ रखेंगे। आपको अगर लग रहा है कि यार डिफिकल्ट है तो आप हाथ पास में कर सकते हैं। करो। आप कोशिश करिए कि आपका जो चिन है, चिन इसको आप जमीन पर टच करिए। स्टार्टिंग में इसका आप 15 से 20 रेप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी इंटेंसिटी अनुसार इसको भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके आप कम से कम 2 रेप्स तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से। गुड। और आप इसको एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो ये बीच का जो कोर है ये बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए और ये कोर आपका इसके साथ में बिल्कुल भी इंगेज होना चाहिए। उम्मीद है कि इन तीनों पुशअप के बाद आप नॉर्मल पुशअप लगा पाएंगे। नॉर्मल पुशअप लगा स्टार्टिंग में आप अगर बिगिनर लेवल का वर्कआउट है तो स्टार्टिंग में आप 1-2-3 मारिए, इसको ज़्यादा स्पीड से मत मारिए। और आपके जो हाथ है आप अपने इंटेंसिटी अनुसार इसको पास में रख सकते हो। और आपको जो बिल्कुल भी जो आपको कोर होता है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। कोशिश करिए कि आपके साथ में बिल्कुल इंगेज रहे, आपके जो पैर है जो वो बिल्कुल पास में होना चाहिए। एक बार करिए आप। कोशिश करिए कि जो आपकी चिन है इसको आप जमीन पर टच करिए और आपका जो चेस्ट है इसको भी आप टच करिए जमीन तक। कोशिश करिए पूरी इसकी। स्टार्टिंग में आप इसको अगर आप बिगिनर लेवल के वर्कआउट हैं तो आप इसको स्टार्टिंग में 10 कर सकते हैं। इसके बाद अपनी इंटेंसिटी अनुसार इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये हमारा सजेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे फिट, स्टे बिंदास। गुड बाय।